एक बार की बात है, आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। ऐसा मौसम देख चिड़िया थोड़ा घबरा जाती है और वह ऐसा देखकर अपने सभी पक्षियों दोस्त के पास जाती है। उनके पास जाकर वो कहती है कि मिठू, मुझे ऐसे लगता है कि मौसम कई दिनों के लिए खराब होने वाला है। तब कबूतर कहता है, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, ना जाने सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी तो होती है, इस बार तो सर्दियों में बरसात भी हो रही है और बरसात थोड़ा ज़्यादा लग रही है। ऐसा ना हो कि चारों तरफ बरसात के कारण ठंड हो जाए और बर्फबारी तेज हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। चलो इस मौसम को देखते हुए हम सब अपना खाने का भोजन इकट्ठा कर लेते हैं ताकि मौसम खराब होने पर हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े। जब सभी पक्षी ऐसी योजना बना लेते हैं तो कबूतर कहता है कि भाई, पिछली सर्दियों में तो बर्फ गिरने से हमें जंगल में भोजन भी नहीं मिला था और बेचारा कालू कौवा भी अपने परिवार के साथ भूखे ही रह गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी, मैं हम उसको भी बुला लेते हैं। तब रानू चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगी, वो तो घर पर बुलाकर बेइज्जती करते हैं और काम काज कुछ करते नहीं। तब कबूतर कहता है, लेकिन रानू, अपने भोजन में से हमें अपना भोजन देना पड़ा था, इसीलिए हम उसको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर उसको बुलाने चला गया। उधर मिट्टू तोता और रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर चल दिए। कबूतर जैसे ही कौवों के घर पहुंचा, उनका दरवाजा खटखटाकर बोला, कालू कौवे, कालू कौवे, क्या तुम घर पर हो? तब कालू कौवा कहता है, हाँ बताओ, क्या काम है कबूतर? भाई, मौसम बहुत खराब हो रहा है। हाँ, मुझे तो दिख रहा है। तो चलो, सभी पक्षियों ने योजना बनाई है, पिछली बार की तरह कई महीनों तक बर्फबारी के कारण हमें भोजन ना मिले, इसलिए हम भोजन इकट्ठा करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन कबूतर पर गुस्सा करते हुए कौवा बोला, इस मौसम में बाहर तुम जाओ, जब भोजन खत्म होगा, जबकि जब देखेंगे, अभी हमारे पास भोजन है, तुम वापस जाओ, मैं नहीं इस मौसम में बाहर जाने वाला, और वैसे भी इतनी सर्दी हो रही है, ऊपर से हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। ऐसा कहकर कबूतर को कौवा कहता है, चलो भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। कबूतर ऐसा सुनकर चुपचाप वहां पर चला गया जहां पर मिट्ठू और रानू भोजन एकत्रित कर रहे थे। कबूतर को देखकर रानू बोली, क्या कौवे नहीं आए तुम्हारे साथ? कबूतर कहता है, नहीं नहीं, बहुत गंदे पक्षी हैं वो, मेरी बेइज्जती कर दी, अब हम तो उनके भले के लिए कह रहे थे, इस बार आने दो घर पर हमारा भोजन मांगने, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूँगा। मिट्ठू कहता है, हाँ हाँ, हम भी मदद नहीं करेंगे। वो सभी भोजन लेकर वापस अपने घर को लौटते हैं। तभी रात को तेज हवाओं के साथ साथ बर्फबारी भी तेज होने लगी और चारों तरफ बर्फ की चादर फैल गई और जंगल में तेज सर्द हवाएं चलने लगी। मौसम भी खराब रहने लगा, धूप कहीं भी नजर नहीं आई, जिससे पक्षियों को भोजन ढूंढने में बड़ी परेशानी होती। लेकिन सभी पक्षियों ने अपना इंतजाम कर लिया था, अगले एक महीने तक भी अगर मौसम खराब रहा तब भी उसके लिए भी उन्होंने अपने भोजन का भंडारण कर लिया था। लेकिन वहाँ कौवा और उसका परिवार भूखे मरने की नौबत पे आ गया। सारा जंगल बर्फ और सर्द तेज हवाओं से और आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी, कहीं भी भोजन दूर तलक दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं गोरी कौवी कहती है कौवे से,
कहीं से भी लाओ भोजन लेके आओ, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तब आया था कबूतर, तुम उसके साथ चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। आज सभी पक्षियों की तरह हम भी अपने घर में खुशहाल रहते, जैसे सब पक्षी अपना भोजन इकट्ठा करके रह रहे हैं। सभी अंदर आग जलाकर अपने हाथ पंखों को सेक रहे हैं और एक हम भूखे भूखे दर बदर भटक रहे हैं। तुम इतने आलसी हो ना, अगर तुम पक्षियों के साथ चले जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तब कौवा बोला, तुम भी तो थी ना, तुम भी तो जा सकती थी ना, मौसम कितना खराब है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं अपने पंखों में बाहर जाके दर्द करूं, मेरे बस की नहीं है, अब भोजन का इंतजाम तुम करोगी। दोनों ऐसा कहकर आपस में लड़ने लगे, लेकिन भूख के मारे उनके पेट में दर्द होने लगा, वो परेशान हो गए। उनका छोटा बच्चा भी बड़ा परेशान था भूख के मारे। सब पक्षियों के बच्चे जहाँ अपना दाना अंदर अपने घरों में बैठकर खा रहे थे और सर्द हवाओं का मज़ा ले रहे थे, वहीं कौवा और उसका परिवार बड़ा परेशान था। ऐसे में कौवे ने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे पक्षियों के यहाँ से भोजन चुरा लाता हूँ। वो सीधा गया रानू चिड़िया के घर। उसने देखा वो सभी भोजन करके सो गए। उसने उनके घर में चोरी से जाकर उनके भोजन की चोरी कर ली और घर में आकर खाने लगा। सुबह के टाइम जब चिड़िया ने देखा चारों तरफ कि उसका भोजन कहाँ गया, तो उसने अन्य पक्षियों को बताया। तब सभी पक्षी बोलने लगे कि रानो, ये जरूर कालू कौवे का काम हो सकता है, वही भोजन एकत्रित नहीं करता और ऐसे उसमें चोरी करता है, चलो हम उसको अभी सबक सिखाएं। सभी पक्षियों ने उसके घर जाकर देखा तो वो अब भोजन कर रहे थे। उनका भोजन उठाकर कबूतर बोला, जब मेहनत करने के लिए कहा जाता है तो तुम नहीं करते, अब तुम हमारा भोजन चुरा कर खा रहे हो। तब गौरी कहती है, नहीं, इसे हम लेकर आए हैं, ये भोजन हमारा है। तब कबूतर कहता है, मौसम इतना खराब है, कहीं दूर तलक भोजन नहीं नजर आ रहा, और ये रानू बहन का भोजन है जिसको तुम्हारा पति चुरा कर लाया है। ऐसा कहकर कबूतर सारा भोजन उठाता है और रानू चिड़िया को देख कर कहता है कि तुम अपना ध्यान रखा करो, अपने सभी दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, वैसे भी जो मेहनत नहीं करता उसे भूखा ही रहने दो। ऐसा देख पक्षियों को कालू कौवा और गौरी बड़े पछताए। वे सोचने लगे कि काश हम भी समय पर अपनी भविष्य की चिंता कर लेते तो हमें ये दिन ना देखना मिलता। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने भविष्य के लिए हमें सभी चीज़ को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप किस उम्र के हैं और कैसी कहानियाँ आपको पसंद है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी, सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था, हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं, तो आज भोजन लेने चलते हैं, क्या पता फिर से मौसम कब खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की, मेरे घर में बस चार दाने ही रह गए हैं भोजन के, मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी ही भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो, लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम नहीं जाना चाहते। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है, मेरे घोंसले में कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख में दर्द है और गौरी से कहूंगा तो वो जाएगी ही नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे, हम सब गौरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी, फिर वो सब
कालू कौवे के घर आते हैं। गोरी तो मस्त धूप में आंखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गोरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका किसने है? और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना, चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गोरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गोरी जी प्लीज, आज तुम भोजन लेने चली जाओ वरना हम दोनों को भूखा रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गोरी को मना रहा था, मगर गोरी कवि तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना न लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना, मैं चली भी गई तो खाली पंख ही लौटूंगी। कालू, इससे अच्छा तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गोरी कवि फिर से चश्मा लगाती है, कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे। लो बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गोरी कवि कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती, कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू, आप रहने दें और वापस घर लौट जाएं, मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, अब आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया चिड़िया, तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो, काश गोरी भी तुम्हारे ही जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, इतनी जल्दी आगे? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गोरी, तुम आसपास में कोई फल ढूंढ लो वरना शाम को क्या खाओगी। मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं बस सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गोरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ हाँ, सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी, मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया कबूतर मिट्ठू तोता दाना लेकर अपने घरों को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने ही वाली थी। चिड़िया को दो ही फल मिल पाए थे, वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, चिड़िया का फल भी क्या फल है, खा के मजा ही आ गया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल में। ऐसे कालू कौवा वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है, मगर गोरी कवि तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया इस मनहूस ने, लेकिन मैं क्या करूं, क्या खाऊं? गोरी कवि घर का कोना कोना छान मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना तक ना मिला, मैं भूखी हूँ, लंबी रात कैसे बिताऊंगी, कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं। ऐसे कहकर गोरी कवि घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मर गई मैं तो भूखी। मिठू तोते, घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गोरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गोरी कवि हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली भूख, अब भूख से मर रही होगी, सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मुझे से सोई है चश्मा लगा के। मिठू जी, तो आप जाकर कह दें, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है और गोरी कवि से कहता है, मिठू तोते, कुछ खाने को दे दें, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गोरी, हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था हम दोनों ने खा लिया। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। लूसी लूसी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गोरी कवि, तुम यहाँ, क्या काम है हमसे जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गोरी, दाना तो है मेरे पास, अगर वो तुम्हें दे दिया तो हम सुबह को क्या खाएंगे, क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसे कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गोरी कवि वहाँ से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ती जा रही थी, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी
सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भोंकी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती। अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी का वीरानों चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया चिड़िया बहन मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी पहले आप घर के अंदर आए, आप कितना कांप रही है। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कवि को गर्म कम्बल में बिठाती है। गौरी भोजन तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया चिड़िया जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप, सूप ही बना दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कवि के लिए सूप बनाती है। गौरी तो गरम गरम सूप को ही पी जाती है। चिड़िया चिड़िया ये क्या था, मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गौरी जब मेरे पास फल और सब्जी गाजर मूली गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखा के उनका चूरन बना के रख लेती थी और अब जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबाल कर पीती हूँ। वाह चिड़िया तुम कितनी मेहनती हो, तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ बस, लेकिन अब मैं भी ऐसा ही क्या करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। अरे चिड़िया बहन मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, जय श्री राम जय श्री राम। अरे गौरी बहन आओ, किस मंदिर की बात कर रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम तो इतनी चतुर चालाक सारी जगह घूमती रहती हो। राम मंदिर बन गया, अरे वो तो बड़े दिन हो गए बन रहा है। हाँ हाँ बनकर तैयार हो गया। अरे हमें भी पता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अरे अच्छा और तुम यहाँ सेक रही हो? अरे मुझे नहीं पता, चलो जाकर देखें आखिर भगवान श्री राम का मंदिर कैसा लग रहा है। सुना है देश के कोने कोने से फूल सामान मंगा कर सजाया गया है मेरे श्री राम का भव्य मंदिर। अरे गौरी बहन देश के कोने कोने से तो सब आते ही, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर बनने का इंतजार तो सबको था। ऊपर से हमें ये भव्य मंदिर और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। गौरी बहन इसके लिए बहुत संघर्ष किया गया, मैंने मानवों से सुना है। और अच्छा हम पक्षियों को भी तो भगवान श्री राम ने ही बनाया है, हम भी तो अपना योगदान देते हैं। हम क्या योगदान दे सकते हैं? अरे हम भी तो अपनी जंगल से फूल और फल लेकर जा सकते हैं। अरे हमें कौन पूछेगा? अरे गौरी बहन हमें कोई पूछे या ना पूछे पर भगवान श्री राम को तो पता ही है ना कि हम भी उनके लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ लाए हैं। अरे हाँ चिड़िया ये तो तुम सही कह रही हो, चलो चलो मैं फूल ले लेती हूँ और तुम कोई फल ले लेना, लेकिन हमें अंदर जाने कौन देगा? अरे बुद्धू अंदर तो वैसे भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, हम भी सभी की तरह बाहर ही रख देंगे क्योंकि प्रभु श्री राम तो हर जगह हर कोने में कण कण में समाए हैं। ये बात तो तुम सही कह रही हो चिड़िया, चलो चलकर देखे तो आखिर अयोध्या श्री राम मंदिर बनने से कैसा लग रहा है। अरे तुमने नहीं सुना? मैंने तो बहुत पहले सुना है
अयोध्या नगरी पूरी बदल दी है। अरे अच्छा, हाँ, और श्री राम का भव्य मंदिर ना किसी राजकुमार के महल से कम नहीं है। हाँ हाँ, अरे योगी मोदी ने तो कमाल कर दिया। ये योगी मोदी कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता, मानवों में आज भी राजा चुने जाते हैं और राजा को अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश के की बागडोर जिनके हाथों में है उनका नाम ही है योगी आदित्यराज। अच्छा चलो, हमें मानवों से क्या लेना, हम भी अपनी श्रद्धा के अनुसार उस भव्य मंदिर में जाएंगे और प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। दोनों यहाँ? हाँ हाँ कालू भाई, हम यहाँ। और आप? अरे मैं भी, इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक हो रही थी और हमारे जंगल में भी काफी फैल रही थी, तो मैं भी यहाँ आकर प्रसाद खाने आ गया। देखा देखा चिड़िया, ये हर जगह खाने आ जाता है। तुम भगवान श्री राम के लिए क्या लाए हो? मैं भगवान के लिए आखिर क्या ला सकता, भगवान तो हमको देते हैं ना, क्योंकि हम प्राणियों को तो इसीलिए बनाया गया है कि हम सिर्फ खाएं। दुर्बुद्धू, भगवान श्री राम पृथ्वी पर विराजित हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमें भी भगवान को इस पृथ्वी पर कुछ उपहार देना चाहिए या नहीं? हाँ तो मैं क्या लाता? अरे बुद्धू, भगवान तो श्रद्धा से भी खुश हो जाते हैं, तुम एक फूल ही ले आते। अच्छा तो चिड़िया बहन, मैं फूल लेकर आता हूँ। हाँ हाँ जाओ लेकर आओ, भगवान हमारी पृथ्वी पर विराजमान हुए हैं, हमें भी कुछ देना चाहिए ना, वरना तुम नीचे तो देखो जरा, मानवों ने ना जाने क्या क्या दिया है। अरे हाँ देखो देखो, कितनी बड़ी अगरबत्ती है, सुना है इसकी बहुत दिनों तक खुशबू होगी, हमारे जंगल तक भी आएगी। अरे अच्छा हाँ, और वो देखो घंटा कितना बड़ा है, हाय हाय मेरे श्री राम का कितना अच्छा मंदिर सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ तुम्हें पता है गौरी बहन, इसकी चर्चा तो मैंने अपने जंगल में कुछ पक्षियों से सुनी है कि इस मंदिर की चर्चा तो देश नहीं विदेशों में भी फैल रही है। और तुम्हें पता है ये भव्य मंदिर ना वैज्ञानिक यानी के जो सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट आसमान में, हाँ उससे भी देखा जा रहा है हमारा भव्य मंदिर। हाँ हाँ अब से मैं रोज यहाँ आया करूँगी। अच्छा अरे मैं फूल ले आया हूँ। हाँ हाँ कालू भाई, फूल चढ़ा कर आते हैं। हम कैसे चढ़ाएंगे? अरे हम तो पंछी हैं, उड़कर मंदिर पर ऐसे बिखेर देंगे जैसे ये हवाई जहाज फैला रहे हैं। अरे हाँ बाप रे, हवाई जहाजों से तो फूल बरसाए जा रहे हैं, तो हम भी इन्हीं फूलों में अपनी फूल शामिल कर लेते हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन सही कह रही है, चलो चलो चलते हैं, जल्दी से करते हैं। हाँ हमने भी फूल बरसा दिए। अरे देखो इतनी मानव इकट्ठे हो रहे हैं। अरे हाँ भाई सेलिब्रिटी भी आए हैं। ये सेलिब्रिटी क्या होता है? अरे मानवों में जो बहुत पैसे वाले और प्रसिद्ध होते हैं ना, उन्हें सेलिब्रिटी कहते हैं। अच्छा हाँ हाँ तो चलो अब से हम रोज़ यहाँ आया करेंगे, फूल चढ़ाकर और भगवान का प्रसाद ले लिया करेंगे। हाँ हाँ सही कह रही हो गौरी बहन, क्योंकि वैसे भी तो ये प्रसाद इधर उधर फेंक देते हैं मंदिर से निकाल कर लोग। अरे हाँ हाँ हम ना
प्रसाद का अपमान नहीं होने देंगे। आज से हम अपना भोजन इस प्रसाद के रूप में कर लिया करेंगे। अरे वाह चिड़िया बहन, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब हमें दूर दूर भी सर्दियों के इन मौसम में भोजन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आहा मजे आ गए। हाँ हाँ मजे आ गए, तभी तो ये लीला है भगवान श्री राम की। अरे देखो देखो भगवान श्री राम के दर्शन कर लो। भगवान लला के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखो देखो माता सीता के साथ भी बड़े सुंदर लग रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अरे चिड़िया बहन तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे जंगल में ढूंढ आया। अच्छा क्या हुआ गोरी, आज तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अरे क्या बताऊँ बहन, मैं उधर पहाड़ी के पास जंगल में गई थी। वहाँ मैंने देखा एक सुंदर और रस भरे फलों से भरा हुआ पेड़ था, पर मैं वहाँ अकेली ना जा पाई क्योंकि वहाँ पर एक किसान पहरा दे रहा था। कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ और मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ। अरे वाह गोरी बहन, बात तो तुमने सही कही, लेकिन किसान तो बड़े चालू होते हैं ना, वो तो हमें शिकार कर डालेंगे और हमें मार डालेंगे। अरे नहीं नहीं चुपके से जाएंगे, तुम तोड़ना और मैं फल इकट्ठे कर लूँगी, उस किसान को पता भी नहीं चलेगा। चिड़िया बोली, ठीक है हम दोनों चलते हैं। तब चिड़िया और कौवी दोनों उस पहाड़ी के बाग की तरफ चल पड़ी। चलते चलते जब वहाँ पे पहुँची तो देखा क्या, किसान दोपहर में गर्मी से बचने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आराम करते देख उन्होंने सोचा कि दोपहरी में शायद ये किसान खाना खाकर सो गया होगा। तभी वो दोनों चुपके चुपके उस पेड़ पर जाकर फल तोड़ने लगी। ऊपर से चिड़िया फल तोड़ती और नीचे से कौड़ी कौवी इकट्ठा करती। जैसे जैसे चिड़िया फल तोड़ने लगी तो गोरी ने भी बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन एक गलती से चिड़िया से एक फल किसान के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट होकर उठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दिखाई देती है गोरी चिड़िया सारे फल इकट्ठे करते हुए। तब किसान बोल, अच्छा तो ये है चोर जो मेरे फलों को रोज चोरी करता है। अच्छा अब बताऊंगा मैं तुम्हें। तब ऐसा बोलकर वो गोरी को पकड़ लेता है और उसे उसी पेड़ से बांध देता है। ऐसा देख चिड़िया डर जाती है, डर के मारे वह वहाँ से भाग जाती है। तभी भागते हुए वह जाती है तोते के पास। हरियाली भाई कहाँ हो तुम? अरे चिड़िया क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? जवाब देती है, भाई हम ना फल लेने गए थे,
किंतु मेरे से ना गलती से उस किसान के ऊपर फल गिर गया, जिसकी वजह से वो सोते हुए उठ गया और उसने गोरी कव्वी को पकड़ लिया। ओहो, अरे बाबा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है ना कि ये जो इंसान होते हैं ना, ये बड़े बेदर्द होते हैं, और ये कहीं गोरी कव्वी को मार ना दे। चलो चलते हैं, देखें आखिर ये किसान हमारी गोरी को कैसे छोड़ेगा। तभी वह हरियाली तोते को लेकर वहां पहुंच जाती है जहां किसान गोरी को पकड़े हुए था। तब हरियाली बोलता है, रानू चलो इस किसान से बात करके देखते हैं, आखिर है तो ये इंसान ही, पता नहीं क्या बोलेगा। तभी हिम्मत कर हरियाली तोता बोला, भाई किसान। किसान देखता है कि तोता सामने है। तभी किसान बोलता है, हाँ बोलो। भाई किसान, ये गोरी है ना गलती से यहाँ पे आ गई थी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आगे से कोई भी पंछी आपके फलों की पेड़ की तरफ नहीं आएगा, आप इसे छोड़ दो। तब किसान बोला, अच्छा हम ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे फलों की चोरी करता है और उन्हें खराब करता है, इसको तो मैं ऐसे ही बांधे रखूंगा। तब रानो बोलती है, नहीं नहीं किसान भाई, आप कितने अच्छे और कितने सच्चे इंसान दिख रहे हो, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके बदले आप हमसे चाहे कुछ ले लीजिए, हम जंगल से वही लाकर दे देंगे। किसान बोला, तुम मुझे जंगल से क्या लाकर दोगे, मुझे जंगल की कोई वस्तु पसंद नहीं है, बस मैं तो इस कव्वी को सजा दूंगा। तभी कहती है, देखो किसान भाई, आज के बाद हम आपके खेत की तरफ को नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे, और हम अपने सभी जंगल के साथियों से कह देंगे कि वो आपके फल की चोरी ना कभी करें और ना किसी को करने दें। किसान फिर भी मान जाता है, कहता है, ठीक है, अगर आइंदा से तुम मेरे खेत की या मेरे फलों की तरफ देखा ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा सुनकर सभी पक्षी डर गए और वो अपनी गोरी साथी को छुड़ा कर ऐसे भागे कि किसान देखता रह गया। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना तो गलत बात है ही, लेकिन लालच करना भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि ऐसे हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए ना लालच करें और ना चोरी करें। ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, उसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना होगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। रानू चिड़िया खेतों में बैठी हुई थी, तभी उनके पास हरियाली तोता आता है और कहता है, रानू बहन, मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे बड़े होशियार हैं और आजकल तुम्हारी खेती में भी हाथ बटा रहे हैं। तभी रानू बोलती, हाँ भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं पढ़ाई में भी, किंतु इस बार मैं उनका एडमिशन नहीं करा पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें पढ़ा सकूं। मेरे बच्चों की तो बड़ी इच्छा है हरियाली स्कूल में पढ़ने की, लेकिन क्या करूं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी हरियाली तोता बोलता है, अरे रानो बहन, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो सुना है जंगल के गलियारों में कि तुम्हारी फसल इस बार बड़ी अच्छी हो रही है, तुम मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, तो तुम अपने बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में करा दो,
इस बार तो मैंने ऑस्ट्रेलिया से उल्लू इंजीनियर को बुलाया हुआ है ताकि वो बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाए और उन्हें पैसा कमाना। तभी रानो बोलती है, भाई तुम कह तो सही रहे हो लेकिन क्या करूं, मुसीबत इतनी है। क्या तुम एडमिशन के पैसे बाद में ले सकते हो? अभी मैं तुम्हारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा देती हूँ, फसल बेचकर मैं तुम्हारे सब पैसे चुका दूंगी। तभी हरियाली तोता बोलता है, ठीक है, कैसी बातें कर रही हो, मेरे स्कूल में तुम्हारे बच्चों का एडमिशन होगा और जो बच्चा टैलेंटेड होगा वो बाहर जाएगा और इससे मेरे स्कूल का भी नाम रोशन होगा। रानो चिड़िया ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती है, चलो बच्चे स्कूल भी जाएंगे और कुछ सीखेंगे भी, साथ ही साथ मेरी खेती में भी हाथ बटाएंगे। इस तरीके से बच्चों को खेती करना भी आ जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी भी। तभी रानो के बच्चे बोलते हैं, माँ हम भी क्या स्कूल जाएंगे? रानो बोलती है, हाँ हाँ मैंने तुम्हारा एडमिशन जो करा दिया हरियाली स्कूल में, तो तुम भी सब वहाँ पर पढ़ने जाना। तभी पक्षियों के साथ साथ रानो के बच्चे भी स्कूल जाते हैं और तभी हरियाली तोता सभी को उल्लू इंजीनियर से मिलाता है जो नई नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाना सिखाएगा। तब उल्लू कहता है, बच्चों देखो हम पक्षियों को खुद का खाना दाना और घर बनाना खुद ही करना पड़ता है और ये काम मैं तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से सिखाऊंगा, तो बच्चों इसके लिए तुम तैयार रहना क्योंकि घर बनाने के लिए तुम्हें भारी भारी तिनके भी उठाने पड़ सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग कीजिए। कुछ सबक याद करा के उल्लू सबकी छुट्टी कर देता है। रानो भी अपनी अंगूर की खेती में बैठी हुई अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी और कह रही थी, ना जाने बच्चे कब वापस आएंगे, मैंने तो उन्हें टिफिन भी नहीं दिया, दोपहर में उन्हें काफी भूख जो लगती है, पता नहीं कब आएंगे। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके बच्चे उसके पास आते हैं और वे अपनी माँ को बताते हैं, माँ आज पता है क्या हुआ, आज हमें अच्छी पढ़ाई के साथ साथ उल्लू टीचर ने ये बताया कि वो हमें बड़ी ही जल्दी घर बनाना सिखाएंगे, माँ हम अपने लिए नया घर खुद ही बनाएंगे। तभी रानो कहती है, हाँ बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा एडमिशन हरियाली इंस्टीट्यूट में कराया है। बच्चों अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर तुम्हें मेरा हाथ भी जो बटाना है। आज अंगूर के काफी गुच्छे पक गए, उन्हें तोड़ कर बाजार में मैं बेचाऊंगी, तुम मेरा हाथ बटाना। बच्चे बोलते हैं, ठीक है माँ हम तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे, पहले हम कुछ खा लें, हमें बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर बच्चे अपनी माँ की मदद करते हैं। अगले दिन फिर से स्कूल लगता है जहाँ पर सभी पक्षियों के बच्चे इकट्ठे होते हैं। हरियाली तोता सबको बताता है, बच्चों तुम्हें पढ़ते पढ़ते बड़े दिन बीत गए, अब उल्लू जी आपको घर बनाने के नियम बताएंगे और जिससे तुम अपने नए घर तैयार कर सकते हो, ठीक है? तभी उल्लू जी आते हैं और सबको बताते हैं कि वो बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी के घर कैसे बनाएं। सभी को उल्लू अच्छे से घर बनाना सिखाता है और ये प्रतियोगिता रखता है कि जिसका घर बहुत अच्छा होगा
आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, यानी के आगे की सारी पढ़ाई हम उनकी फ्री रखेंगे। और अगर वो बच्चा अपनी पूरे साल की परीक्षा में अव्वल आया तो उसे हम विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे, ताकि तुम भी नई नई टेक्नोलॉजी से अपने बच्चों को आगे पढ़ा सको। तभी ऐसा सुनकर सभी पक्षियों के बच्चे बड़े खुश होते हैं और ये आकर अपने माता पिता को बताते हैं। पक्षियों के माता पिता बोलते हैं, ठीक है बच्चों, तुम अच्छे से मेहनत करना, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी पढ़ना कोई आम बात नहीं है, बड़ी गर्व की बात है। पक्षियों के माता पिता अपने बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे थे। अगले दिन सुबह जब सब पक्षियों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उल्लू टीचर जी उन्हें घर बनाना सिखाते हैं और प्रतियोगिता कराते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी बच्चे बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको पता है बच्चों, सभी के घर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कोई एक ही तो प्रतियोगिता में अव्वल प्रतियोगी होता है। उसमें सबसे अच्छा जो घर था वो था रानू के बच्चों का और वो प्रथम आए। ऐसे ही उस प्रतियोगिता के कारण उनकी फीस को माफ कर दिया। हरियाली बोला कि इन बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया है, इसलिए मैं इन तीनों बच्चों की पूरे साल की फीस को माफ करता हूँ और आगे पढ़ने में भी इनकी मदद करूँगा। ऐसे प्रतियोगिता में भले ही रानू के बच्चे अव्वल आए हों और घर अच्छा बनाया हो, किंतु सभी पक्षियों के बच्चों ने भी काफी मेहनत की थी और उन्होंने भी अच्छे घर बनाने सीख लिए थे। फिर हरियाली ने एक बात और बोली कि सभी के घर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं सभी बच्चों को आगे पढ़ने में प्रोत्साहित करूंगा और सभी बच्चों के लिए कोशिश करूंगा कि उनके स्कॉलरशिप आए, ताकि वो लोग भी फ्री पढ़ सकें। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि आप सभी को मेहनत करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी आए, लेकिन हर बच्चे का टैलेंट बाहर आना चाहिए, इसीलिए सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। ऐसा देखकर सभी पक्षी बड़े खुश हुए और रानू की फसल भी मार्केट में काफी अच्छे पैदामों में बिकी। तब रानू ने सभी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल बैग खरीदे और उन्हें उनके काम आने वाली वस्तुएं दिलाई, क्योंकि उसके बच्चों की फीस अभी उसे नहीं भरनी थी, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे थे। इसीलिए कहते हैं, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो बच्चों, मिलते हैं और अगली नई कहानी के साथ आपको हम। तब तक के लिए बाय बाय। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।